रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारे सऊदी अरब में पता क्या होता है, मार्केट में आप जाओ ना, पेप्सी की मशीनें लगी हुई हैं, पेप्सी की, एक रियाल डालो तो सारे बटन, आपने मक्का में देखा होगा जो भाई उमरा हज करने गए, बटन ऑन हो जाएंगे, सेवन अप ले लो, कोका कोला ले लो, पेप्सी ले लो, जो मर्जी ले लो, ठीक है, क्या डालने से, रियाल। और अगर पाकिस्तानी रुपया डालो उसमें बाबा जीना वाला, तो जितनी स्पीड से अंदर जाता है उतनी स्पीड से रिटर्न आता है। पेप्सी किन्ना ना आया है, रियाल कोल कोई नहीं, पेप्सी पे मंगता है, तको ना उठा अपने रुपये, क्यों, उस मशीन में कंप्यूटर फिट है, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया के साइन या उनकी स्टैंप है, उस स्टैंप के मुताबिक जो चीज अंदर आएगी वो कहेंगे जी अहलन व सहलन, तफद्दल इशरब पेप्सी मोया आयशी खज ले जाओ। और अगर वो वहां पर बाबा जीना चला जाए, गांधी साहब चली जाए, खालदा जिया साहब चली जाए, या यहां की मलका जी का कोई वो चला जाए, तो चौक के मारता है, फट पड़े। स्टेट है गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया, यहां पे सिक्का चलता है गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया का। ए भाई, क्यामत के दिन जो स्टेट लगेगी ना, वहां भी एक सिक्का चलेगा, और वो सिक्का पता किसका होगा, वाबी, देवबंदी, बरेलवी, सुन्नी, नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, रिजवी, सोरवर्दी, वर्दी, बगैर वर्दी, कोई सिक्का नहीं होगा इस्लाम का, एक ही सिक्का, मोहम्मद फरकुम बैन नास। आज सबको भूल जाओ, जो मोहम्मद का बन के आया है वो जन्नत में चला जाए। स्टैंप लेकर आओ मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि, नमाज मोहम्मदी, रोजा मोहम्मदी, हज मोहम्मदी, जकात मोहम्मदी, अमल मोहम्मदी, सूरत मोहम्मदी, लिबास मोहम्मदी, औलाद तरबियत मोहम्मदी, एक एक अमल में मोहम्मदियत को तलाश करके लाओ, जन्नत के दरवाजों से अंदर चले जाओ। और जिस पे पूरी दुनिया की स्टैंप लगी हुई हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहर ना हो, वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। तो अमले साले के लिए बुनियादी बातें क्या हुई, एक अल्लाह की रज़ा और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हमें शैतान ने एक नया जुमला आया जी, के पे कर दो ना जी, के अरजने, अगर सुन्नत भी नहीं है तो के अरजने, बाबा जी तो खत्म करवा छोड़े ने, तीजा सातवां नामा दसवां चालीसवां कौल बरसी हरज के ने, हरज दसो, कुरान ही पढ़े आने ना, तको ना मौलवी कहना जालिम कहता कुरान भी ना पढ़ो। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ हरज क्या, एक रकत में कितने सजदे हैं जी, एक रकत में कितने सजदे, दो। मैं तीसरा सजदा करूंगा तो उसमें क्या कहूंगा, दुआएं होंगी ना, सुभान रब्बिल आला ही कहूंगा ना, गाने तो नहीं गाऊंगा, डांस तो नहीं होगा, दुआ होगी। अब किसी मुसलमान से पूछिए ये तीसरा सजदा मुझे कहां ले जाएगा, जन्नत में या जहन्नम में, जी जन्नत में नहीं ले जाएगा, क्यों, मैंने तो सजदा किया अल्लाह के लिए। जवाब मिलेगा कि इबादत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने करके दिखा दी, आपने एक रकत में दो सजदे किए, तीसरा तो हरज क्या हुआ कि यह अमल रसूलुल्लाह सल्लम ने नहीं किया। जो अमल प्यारे नबी ना करें वो अमल दीन नहीं हो सकता, भले आप उसको अच्छा समझ के करें, भले आप उसको खैर समझ के करें, अगर वो अच्छा होता तो प्यारे नबी बयान करके जाते। एक रकत में तीसरा सजदा बर्बादी है, अगरचे उसमें जिक्र अल्लाह का हो रहा है। अच्छा अदान कहाँ खत्म होती है जी, अदान कहाँ खत्म होती है, आखिरी जुमला क्या है अदान का, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब कलमा पूरा किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर कोई मौज़िन आज से ये शुरू करे जी ये तो अद्धा कलमा है जी, अजान तो नाकिस अधूरी रह गई है, मैं नाल अगला हिस्सा भी जोड़ के कहना, अजान खत्म करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या ख्याल है, ये काम अच्छा है या बुरा जी, फिर बोलिए, अच्छा नहीं है, क्यों, इसने अजान में इजाफा कर दिया, वो जुमला कहा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सिखाया, अगरचे उसने कलमा कंप्लीट किया है लेकिन इस मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल नहीं सिखाया। तो कोई ये कहे कि तीजा सातवां नामा दसवां इसमें कुरान ही तो पढ़ते हैं, गुठलियों पर आयते करीमा ही तो पढ़ते हैं, हरज किया है बरसी करवाने में, बुजुर्गों का खतर शरीफ करवाने में हरज किया है, हम कहेंगे भाई इसमें हरज ये है, अगर ये दीन होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा का तीजा सातवां नावा दसवां चालीसवां कौल बरसी करते, रस्म चहलम होती, और अगर प्यारे नबी करते तो इस सब के नाम अरबी अरेबिक लैंग्वेज में होते या ना होते। अभी हमने नमाज पढ़नी है तो नमाज को अरबी में क्या कहते हैं, सलात। रमजान में आपने रोजे रखे, रोजों को अरबी में क्या कहते हैं, सयाम। आप चंदा देते हैं मसाजिद में मदारिस में यतीमों को गरीबों को, अरबी में क्या कहते हैं, सदका। ठीक है, माल में से जकात निकालते हैं, तो जो भी इस्लामी अमल करेंगे उसका अरबी में कोई ना कोई नाम
کیوں؟ کیونکہ وہ عمل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، آپ عرب تھے، اس کا عربی میں کوئی نام ہے؟ مولوی صاحب نے کہا جی مولوی صاحب تو 1000 پاؤنڈ دے سا جی گفٹ، تے دسو بھی تیجے دی عربی کے نے، تیجا کرتے ہو کہ نہیں؟ ساتویں کا ختم عربی کیا ہے اس کی، ناویں کا ختم عربی میں کیا کہیں گے، 40واں رسم چہلم قول شریف عربی کیا ہے؟ مولوی مر جائے گا، آپ کو عربی میں نام کیوں؟ کہ ہے میڈ ان انڈیا پاکستان، تو عربی میں کیا نام بتاؤں اس کا، عربوں نے تو یہ کام کیا نہیں۔ وہ ایک بادشاہ کے سامنے مناظرہ ہو رہا تھا، ایک سنی کا اور شیعہ کا، تو سنی نے کیا کیا، جوتی اٹھا کے اپنی بغل میں لے لی۔ مناظرہ یہ تھا کہ حق پہ کون ہے، سنی یا شیعہ، تو وہ جوتی اٹھا کے لے آیا اور کہنے لگا، شیعہ نے کہا دیکھو کتنا پاگل ہے، بے وقوف ہے، یہ مناظرہ کرنے آیا، اس کو تو بنیادی اخلاقی باتیں بھی نہیں پتا، جوتی کی وہ جگہ ہے، یہ کچھ مار کے آگے اسٹیج پہ بیٹھ گیا ہے، یہ پاگل نہیں ہے؟ کہتے نہیں نہیں آپ نہیں سمجھتے بادشاہ سلامت، اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شیعہ تھے نا، وہ جوتی چوری کر لیتے تھے، میں اس لیے اپنی بغل میں لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا پاگل ہے تو، کے پہ گل کرنا ہے، ادھر تو شیعہ ہے ہی نہیں سن۔ انہوں نے کہا مناظرہ ختم۔ میں نے یہی بتانا تھا کہ اس دور میں نہیں تھے تم بات کی پیداوار ہو، سمجھ آئی مثال یا نہیں؟ یہ تیجا، ساتواں، نواں، دسواں، اگر رسول وسلم نے سیدہ خدیجہ کا کیا ہوتا، سیدنا ابراہیم کا کیا ہوتا، امیر حمزہ سید الشہدا کا کیا ہوتا، تو اس کا عربک لینگویج میں کوئی نہ کوئی نام ہوتا۔ یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان ہے، اور اب یہاں پہ شرط یہ لگا دی، حرج کیا ہے؟ کام تو اچھا ہے بھائی، اس میں حرج یہ ہے کہ یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے۔